तो दोस्तों ये है रिज़ल्ट हेयर कलर का हमारे क्लाइंट के बालों पे। ये अच्छा सा नेचुरल ब्लैक कलर आया है। हेयर जैसे मैंने आपको कहा था कलर ट्यूब का नंबर है 3, तो ये काफ़ी जेट ब्लैक नहीं आया है और हमारे क्लाइंट को वैसा ही कलर चाहिए था कि बाल काफ़ी नेचुरल दिखें, तो हमने उन्हें ये 3 नंबर ट्यूब कलर ट्यूब से ये बालों का हमने उनको कलर दिया है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हेयर स्पा के बाद इनके बालों में और कितनी शाइन हम ला सकते हैं ऑक्सी ग्लो के हेयर मास्क से। थैंक यू। ये हमने स्पा प्रोडक्ट लगा दिया है क्लाइंट के हेयर पे और अब हमें 15 से 20 मिनट के बाद इसका वॉश लेना है। सो वॉश के बाद फिर मैं आपको इसका फाइनल रिज़ल्ट दिखा दूंगी। सो हमने इनका स्पा ट्रीटमेंट जो था कंप्लीट कर लिया है। वॉश हो गया है इनका आफ्टर 15-20 मिनट्स के बाद में हमने वॉश कर लिया है। अब इनके हेयर पे मैं ये ऑक्सी ग्लो का हेयर सीरम यूज़ कर रही हूँ ताकि उनके बालों में थोड़ा सा मैनेजेबल हो जाए और सॉफ्ट हो जाए होने के लिए। सो आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट राइट नाउ। आपके सामने ये मैं खोल रही हूँ इसका सील। आपके सामने सील खोलने का मेरा रीज़न ये है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो जिस प्रोडक्ट के बारे में जिस कंपनी के बारे में मैं बात कर रही हूँ ये वही प्रोडक्ट है और आपके सामने ही मैं उनके क्लाइंट के बालों पे लगाऊंगी। ऑक्सी ग्लो का हेयर सीरम मैंने मेरे हाथों पे लिया है, बस 2 बूंद। मैंने क्लाइंट के बालों पे जो 2 बूंद ली थी वही मैंने उनके हर जगह पे हल्के हल्के लगाए हैं। जड़ों पे लगाना नहीं होता है, सिर्फ बालों के लिए है ये प्रोडक्ट। हेयर सीरम जो है वो सिर्फ बालों पे है। ये लगाएं तो हमें तेल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तेल का चिपचिपापन इसमें नहीं होता है। आप इसे पूरा दिन बालों पे लगाए रख सकते हैं, इसे धोने की ज़रूरत नहीं होती है। ये लीव ऑन सीरम होता है जिसे मतलब छोड़ना होता है बालों पे। थैंक यू।